आज आपकी हिंदी की फर्स्ट क्लास है, एकदम मजे से पढ़ो और कमेंट करके जरूर बताना है क्लास कैसी रही है, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और साथ के साथ में शेयर भी करें। चलो ठीक है, रेडी रेडी स्टार्ट करें। देखो, आपकी जो हिंदी स्टार्ट होती है वो होती है आपकी वर्ण से। हिंदी भाषा जो स्टार्ट होती है वर्ण से। अब आप यहां पर समझना, यहां पर एक नाम आया भाषा। क्या आया? भाषा। कि भाषा होती क्या है सब जानते हैं, हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। हिंदी मातृभाषा है हमारी। लेकिन मैंने यहां पर कहा आपको पहचानना है, इस वर्ड को पहचानना है कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है क्या, ये वर्ड आया कहां से। अब देखो, यहां पर अगर मेरे अंदर कोई भी विचार आए, मेरे अंदर कोई भी विचार आए या कोई भाव आए, मेरे मन में कोई विचार है, कोई भी भाव है, और उन्हें मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, इन विचार और भावों को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, तो कैसे पहुंचाऊं? उसका मानव ने एक माध्यम ढूंढा कि इन अपने अंदर के विचार और भावों को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। जो इसका एक माध्यम ढूंढा ना, वही माध्यम कहलाता है हमारा भाषा। क्या कहलाता है? भाषा। किसी को जो हम बोलते हैं वो हिंदी पसंद आई और किसी को इंग्लिश पसंद आई, तो वो माध्यम जो है ना, वही कहलाता है आपका क्या? भाषा। किसी एक व्यक्ति के विचार या भावों को दूसरे व्यक्ति के विचार या भावों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? भाषा। क्या कहलाता है? भाषा। अब यहां पर कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। यहां पर दो नाम आते हैं, एक आता है वर्ण और एक आता है आपका अक्षर। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा या किसी भी बुक में नहीं देखा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है। ये दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने जैसे बुक में पढ़ा कि भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, न कि अक्षर। अब यहां पर हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? जो आपके वर्ण होते हैं ना, वो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। और जो आपके अक्षर होते हैं वो होते हैं परतंत्र। क्या होते हैं? परतंत्र। परतंत्र का मतलब जानते हो? परतंत्र, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और स्वतंत्र, जो खुद पर डिपेंड होते हैं। जिनका खुद का अस्तित्व होता है वो होते हैं आपके स्वतंत्र, और जिनका अस्तित्व नहीं होता, जो डिपेंड होते हैं दूसरों पर, वो होते हैं परतंत्र। अब ये डिपेंड कैसे हैं? यहाँ पर अगर मैंने एक वर्ड लिखा, सभी जानते हैं कि वर्ड में आते हैं आपके स्वर और व्यंजन। इन पर भी बात करेंगे अभी, इन पर भी बात करेंगे कि ये कैसे कैसे बने, कहाँ से आए, कैसे उत्पन्न हुए। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्ड ले रही हूँ कि मैंने वर्ड लिया एक क। क्या वर्ड लिया? क। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो। जब हम बोलते हैं क क क, बोल के देखो क, तो अ की ध्वनि आई ना पीछे, किसकी आई? अ की ध्वनि। तो मतलब ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है, इसके साथ में क्या है? अ। क्या है इसके साथ में? अ। अगर मैं इसे लिखूं क और अ, तब मिलाकर के बनता है ये क। क्या बनता है? क। तो ये जो हलंत वाले होते हैं ना, हलंत वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके वर्ण। अगर नी के साथ में कोई और स्वर या व्यंजन मिल जाए जो बिना हलंत वाले वर्ण बनाता है, वो होते हैं आपके अक्षर। समझ में आया आपको? जो किसी की सहायता से नहीं बनते वो होते हैं वर्ण, और जो किसी की सहायता से बनते हैं
वो होते हैं आपके अक्षर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? देखो, हम वर्ण पर बात कर रहे थे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 52। कितनी होती है? 52। इसमें आप सभी जानते हो वर्णों को जो बांटा गया है वो दो आधारों पे बांटा गया है। पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा बांटा गया है आपका लेखन के आधार पर। क्वेश्चन पूछ लेता है वर्णों का बंटवारा कितने आधार पर हुआ है? दो आधारों पर, एक तो उच्चारण पर और एक लेखन पर। मतलब कह सकते हो एक तो बोलने के आधार पर। उच्चारण क्या हो गया आपका? बोलना। और बोलने का मतलब क्या है आपका? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। और ये भी कहते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, उसका दूसरा नाम क्या होता है? ध्वनि। क्या होता है उसका दूसरा नाम? ध्वनि। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई का दूसरा नाम क्या होता है? ध्वनि। तो यहां पर मैंने कहा वर्ण का दो तरह से बंटवारा हुआ, एक उच्चारण और एक लेखन। लेखन मतलब हमारी रचना करना, लेखन मतलब रचना करना, उच्चारण मतलब बोलना, उच्चारण मतलब बोलना। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण उच्चारण में कैसे होते हैं, लेखन में कैसे होते हैं, कितने कितने होते हैं, किन किन पार्टों में बांटा गया है इन्हें। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बताइए, सब कमेंट करके बताइए, क्लियर है क्या सब कुछ? सब समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए, सबकी कमेंट पढ़ी जाएंगी। देखें, यहां पर दो भागों में बांटा था ना, एक था हमारा उच्चारण और एक था लेखन। दो पार्टों में बांटा, और जो वर्ण को भी बांटा, और भी पार्टों में जो बांटा गया, वो एक था वो आपका स्वर और एक था आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन, पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे स्वर। स्वर का मीन्स भी क्या होता है? ध्वनि, जो यहां से निकलती है, कंठ से निकलती है, जिससे आप बोलते हो वही तो स्वर होता है। आप जिससे बोलते हो वो क्या होता है? स्वर। इसे ही बोलते हैं ध्वनि। स्वर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो किसी और की सहायता से नहीं बोले जाते। उनका अस्तित्व खुद में होता है, न कि दूसरों में। और जो व्यंजन होते हैं वो परतंत्र होते हैं। मतलब व्यंजनों का अस्तित्व किन में होता है? स्वरों में होता है। स्वरों की सहायता के बिना उन्हें नहीं बोला जा सकता। अब एक बात बताओ, यहां पर मैंने कहा स्वर होते हैं स्वतंत्र और व्यंजन होते हैं आपके परतंत्र। मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, स्वर से मैंने एक वर्ण उठाया अ, और व्यंजन से मैंने एक वर्ण उठाया क। तो आप मुझे बता सकते हो क्या, अ अ अ को जब हम बोलते हैं तो किसी और की ध्वनि सुनाई देती है क्या आपको? अ सुनाई दी क्या किसी और की ध्वनि? अ नहीं, केवल इसी की ध्वनि आती है। लेकिन जब हम क को बोलते हैं ना, क बोलो, बोल के देखो, प्रैक्टिकली करो, रटो मत, समझने की कोशिश करो। क, तो जब हमने क को बोला तो क के पीछे किसकी ध्वनि आई? अ की। तो यहां पर आपने देखा कि ये तो केवल एक है, केवल एक है, इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है, नहीं मिला हुआ है। तो ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। और जब ये स्वतंत्र है तो ये क्या है? स्वर। और जब स्वतंत्र है तो मैंने एक और नाम बताया था, जो स्वतंत्र होते हैं वही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं वो? वर्ण। और यहां पर बात करूं मैं क की, तो ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें किसकी आवश्यकता लग रही है हमें? अ की। तो ये परतंत्र है। क्या है ये? परतंत्र। और परतंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन। तो मतलब व्यंजन आपके क्या होते हैं? अक्षर। तो यहां पर आपको समझ में आया ना कि वर्ण स्वर होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं आपके?
अक्षर होते हैं न कि वर्ण। वर्ण केवल वही होते हैं जिनमें खुद का अस्तित्व हो, किसी और का नहीं हो। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? बताओ क्लियर है? देखो अब स्वर, अगर मैं स्वर की बात करूं तो उच्चारण में जो होते हैं वो होते हैं आपके 10। कितने होते हैं? 10। और अगर लेखन की बात करूं तो वो होते हैं आपके 13। लेखन में कितने होते हैं? 13। बताएंगे इनकी मात्राएं कैसे गड़बड़ रही है, क्यों नहीं लिया गया इनको साथ में, ये तीन कौन से हैं एक्स्ट्रा इसमें, ये भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि इन्हें क्यों नहीं लिया गया है। अब देखो जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो इसमें आपके 10 स्वर आते हैं। कितने आते हैं? 10। पहले उच्चारण पर देखते हैं, मैंने यहां पर लिखा अ आ ए ई ए आई यहां पर देखो ये केवल आपको 10 ही मिलेंगे, अ आ ए ई ओ औ ए आई ओ और औ, ये होते हैं। गिनो 10 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपको दिख रहा होगा उच्चारण में जो 10 स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अ आ ए ई ओ उ ए आई ओ और औ। ये जो 10 होते हैं वो किसमें होते हैं? उच्चारण में। क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है कि उच्चारण के माध्यम से हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 10। लेखन के माध्यम से हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। अब आपको दिख रहा होगा इसमें तीन नहीं लिए गए हैं, तीन नहीं लिए गए ना, कौन कौन से नहीं लिए गए? एक है आपका ऋषि, एक अंग और एक है आपकी अंग, ये तीन नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए ये भी बताएंगे, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। देखो आपका स्वर के अंतर्गत दो नाम आते हैं, एक होता है मूल स्वर और एक होता है आपका संयुक्त स्वर। मूल स्वर और एक नाम है संयुक्त स्वर। अब देखेंगे हम मूल स्वर क्या होते हैं और संयुक्त स्वर क्या होते हैं। देखो मूल, यहां पर नाम क्या आया? मूल। मूल मूल का मतलब क्या होता है? जड़। एक ऐसा मेन पॉइंट जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, जहां से किसी चीज की उत्पत्ति हो वही तो होता है मूल, जड़, जहां से किसी की उत्पत्ति हो। अब यहां पर मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। एक होता है आपका अ, एक होती है ए, एक होता है ओ और एक होता है ऋषि। क्वेश्चन आए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अ ए ओ ऋषि, अ ए ओ और ऋषि। ओके अब देखो बच्चे आपके कौन से? आ ई उ ए आई ओ और औ, ये 6 बचे। 6 बचे ना, 4 तो इसमें आ गए, बचे कितने आपके? 6। अब इन्हें मूल स्वर क्यों नहीं कहते हैं? इन्हें मूल स्वर क्यों नहीं कहते हैं? देखो ये आपका उच्चारण में नहीं आता है लेकिन लेखन में आता है। अगर अभी मैं यहां पर मूल स्वर की बात कर रही हूं, मूल स्वर में ये आता है, मूल स्वर में ये आता है। उच्चारण के हिसाब से 3 तो इसमें आ गए और 7 इसमें आ गए, उच्चारण में अ ए और उ तो इसमें आ गया, और जो बचे हैं 7 वो किसमें आ गए? संयुक्त में। अब इन्हें मूल स्वर क्यों नहीं कहा जाता, इन्हें संयुक्त स्वर क्यों नहीं कहा जाता? स्वतंत्र तो ये भी है और ये भी है, स्वतंत्र तो दोनों है ना, तभी तो इन्हें स्वर कहा जाता है। अब देखो जो ये अ है ना, अ जो आपका अ है, अगर इसे हम दो बार मिला दें, इसे हम दो बार मिला दें तो हमें मिलता है क्या? आ।
क्या मिलता है हमें? आ। तो संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो एक से अधिक स्वरों से मिलकर के बनते हैं। संयुक्त स्वर कौन से स्वर होते हैं? जो एक से अधिक स्वरों से मिलकर के बने हो। यहां देखो क्या है, जो आ है आपका आ, वो किससे मिलकर के बना है? अ और अ से। तो इसलिए क्या है, मूल स्वर नहीं है, क्या है ये आपका? संयुक्त स्वर। ऐसे ही ई, ये जो बनी है वो बनी है ए और ए से, ए और ई से। ऊ, ये बना है आपका ओ और ऊ से, किससे बना है? ओ और ऊ से। ए, ये बनी है आपकी अ और ई। ए, ऐसे है ना, ये बनी है आपकी अ और ऐसे एडी वाली से। अगर ओ की बात करें तो ओ बनाया आपका अ और ऊ से, और अगर औ की बात करते हैं तो औ बनता है आपका अ और ओ से। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो सात के साथ हैं, ये जो सात के साथ हैं वो किसी न किसी से मिलकर के बने हैं, किसी न किसी से मिलकर के बने हैं। तो जब ये किसी न किसी से मिलके बने हैं तो ये मूल स्वर न होकर के क्या है, ये संयुक्त स्वर। क्या है ये? संयुक्त स्वर। ठीक है, नोट करते रहना साथ में, नोट करते रहना। सब क्लियर है? बताओ बताओ, सब क्लियर है ना? कोई भी डाउट है क्या? तो ये तो थे आपके उच्चारण पर, किस पर थे? उच्चारण पर। अभी हमने कहा था कि लेखन में कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं लेखन में? 13। कौन कौन से और पढ़ जाते हैं? एक ऋषि, एक अंग और एक अंगा, यही तीन तो पढ़ जाते हैं। 10 तो जो मूल में थे, मतलब जो उच्चारण में थे, वो तो 10 है ही। और अगर लेखन की बात करें तो उन 10 में ये तीन और जुड़ जाएंगे, तो आपके लेखन में कितने हो जाएंगे? 13। अब बात ये आती है कि जब इन्हें लेखन में रखा गया है तो उच्चारण में क्यों नहीं रखा गया? जब इन्हें लेखन में रखा गया तो उच्चारण में भी होना चाहिए ना कोई तो महत्व तो होगा इनका। अब इन्हें उच्चारण से क्यों हटा दिया गया? उच्चारण से इन्हें इसलिए हटाया, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अगर मैं उच्चारण की बात करती हूँ तो उच्चारण का मतलब क्या है? सिर्फ बोलना। मतलब क्या है उच्चारण का? सिर्फ बोलना। और जो वर्णमाला होती है ना उच्चारण में, उसमें कोई भी ध्वनि रिपीट नहीं होती है, कोई भी ध्वनि बार बार नहीं आती है। अब व्यंजन में हमारा एक वर्ण आता है, एक अक्षर आता है र। क्या आता है? र। जब ये र आता है तो, और एक आता है हमारा न, एक आता है ह। र, न और ह, तीनों की तीनों ध्वनियां हमारी किस में आती हैं? व्यंजन में। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि ये जो तीन वर्ड हैं इनकी भी तो यही ध्वनि निकलती है, बोल के देखो निकलती है कि नहीं? ये रे, ऋषि जो है इसकी जो ध्वनि क्या है वो है रे। ये इसकी ध्वनि क्या है? ने। इसकी ध्वनि क्या है? है। तो तीनों की ध्वनि तो यही है ना। और जब ये पहले से ध्वनियां उच्चारण के माध्यम से वर्णमाला में आई हुई है तो इन्हें दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही बता दिया है कि उच्चारण में कोई भी ध्वनि दो बार या तीन बार नहीं आती है, सिर्फ कितनी बार आती है? एक बार आती है। इसीलिए इन्हें उच्चारण में नहीं लिया गया है। किस में लिया गया है? लेखन में। क्योंकि लिखने में ये अलग है लेकिन बोलने में इनकी ध्वनियां अलग नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, कमेंट पढ़ी जाएंगी साथ के साथ। कमेंट करके बताओ कोई डाउट है। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे हमारे क्या? स्वर। क्या थे ये? स्वर। अगर आगे बात करें तो स्वर के बाद में क्या आता है हमारा? व्यंजन।
स्वर के बाद में क्या आता है? व्यंजन। अगर आप इन दो शब्दों को, एक तो स्वर और एक व्यंजन, इन दोनों को डीपली पढ़ लोगे ना, तो आपकी संधि भी यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी, संधि भी यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं से मिलकर के बनी होती हैं। देखो व्यंजन मैंने बताया था, ये क्या होते हैं? परतंत्र, मतलब डिपेंड होते हैं दूसरे वर्णों पर, दूसरे अक्षरों पर डिपेंड होते हैं। दूसरे अक्षरों का मतलब किस पर होते हैं? स्वरों पर। किस पर डिपेंड होते हैं ये? स्वरों पर। स्वरों के बिना इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे स्वरों को हमने पढ़ा मूल स्वर, संयुक्त स्वर, दो भागों में पढ़ा ना, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ऐसे ही व्यंजनों को बांटा गया है कई भागों में। जैसे आपका एक नाम आता है वर्ग, एक नाम आता है आपका वर्ग, फिर एक नाम आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, एक नाम आता है आपका संघर्षी या स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी या स्पर्शी व्यंजन, एक नाम आता है इसमें संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। तो सबके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किस पर? वर्ग पर, क्योंकि व्यंजनों की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आपकी वर्ग से। सबसे पहले वर्ग पर बात करेंगे हम, और वो भी उच्चारण में। किसमें? उच्चारण में। व्यंजन पे बात करेंगे किससे? उच्चारण से। तो देखो हमने यहां पर सबसे पहले क्या लिया? वर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट करते रहना, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? तो इसका आंसर लिखोगे आप पांच। कितने होते हैं? पांच। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? तो व्यंजन भी कितने होते हैं प्रत्येक वर्ग में? पांच। कितने व्यंजन होते हैं? पांच। अब देखो आप, पांच ही वर्ग और प्रत्येक में पांच ही व्यंजन, तो कितने हुए टोटल? टोटल कितने हुए? 25। कितने हुए? 25। तो हम वर्ग के माध्यम से 25 व्यंजनों के बारे में यहां पढ़ेंगे। किसके माध्यम से? वर्ग के माध्यम से। अब देखो ये पांच वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है आपका क। सबसे पहला वर्ड आया आपका वर्णमाला में क। अब मैंने बताया आपको कि वर्ग में कितने व्यंजन है? पांच व्यंजन है। तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर जो नाम आया है ना क, क को लिख करके क से आगे के चार व्यंजन और लिखिए। क को लिखकर क से आगे के चार व्यंजन कौन कौन से हैं? ख, ग, घ और ड। तो ये हो गया आपका क्या? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन हो गए? क, ख, ग, ग और ड। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा व्यंजन आता है? इसके बाद में कौन सा आता है? च। च। तो इसमें भी ऐसे ही करो, च लिखो, च लिखो और च के बाद के चार व्यंजन लिख दो। च, च, ज, झ और य। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? ट। क्या आता है? ट। तो एक हो गया आपका ट वर्ग। कौन सा हो गया? ट वर्ग। ऐसे ही इसमें करना है, ट को लिखा है, ट से आगे के चार व्यंजन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ और य। यही है ना? याद है ना छोटे बड़े के? भूल गए?
छोटी छोटी क्लासों में ही तो पढ़े थे, अब तो भूल गए होंगे। चलो दोबारा याद करो। इसके बाद में क्या आता है? त, त वर्ग। त वर्ग में ऐसे ही करना है आपको, त के बाद में चार और, त, थ, द, ध और न। न आ गया ना, न। न के बाद में क्या आता है? प, प वर्ग। प ऐसे ही प में लिखना है, प, फ, ब, भ और म। देखो भैया, क से लेकर के म तक आपके कितने व्यंजन होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। लगातार आ गए ना यहाँ, लगातार आ गए ना, याद करने की जरूरत नहीं है ना। पहला वर्ग क से स्टार्टिंग किया, क के आगे के 5 व्यंजन लिख दिए। उसके बाद में क्या आता है? च, च से स्टार्टिंग किया, च में 5 व्यंजन लिख दिए। फिर ट, ट से स्टार्टिंग करके ट में 5 व्यंजन, त, त से स्टार्टिंग करके त में 5 व्यंजन, और प, प से स्टार्टिंग करके प में 5 व्यंजन। तो एंड कहाँ हुआ यहाँ पर? इसका म पर। किस पर हुआ? म। अब देखो, ध्वनि की बात कर रहे थे हम, किसकी? ध्वनि की। तो यहाँ पर अगर मैं ध्वनि की बात करूं, ध्वनि, ध्वनि कब निकलेगी? जब मैं बोलूंगी, जब आप बोलोगे तभी तो निकलेगी। अगर मुंह बोलते रहे तो हमें तो कुछ सुनाई नहीं देगा। बोलना है, ध्वनि तो तभी निकलेगी ना जब हम बोलेंगे। तो देखो, क वर्ग है यहाँ पर, क। ध्वनि से संबंधित 5 नाम आते हैं। एक होता है आपका कंठ, एक होता है तालु, एक होता है आपका मूर्धा, एक होता है ओष्ठ और एक होता है दंत। देखो, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत, ये 5 होते हैं। और इन 5ों से मिलकर के और भी स्थान बन जाते हैं। जैसे कंठ तालु को मिलाया, कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ को मिलाया, कंठोष्ठ। मूर्धा कंठ को मिलाया, कंठ मूर्ध्या। ऐसे ही और भी स्थान बन जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो स्थान होते हैं वो होते हैं आपके 5, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत। क्लियर है? अब ये जो वर्ग है ना आपके 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5ों की ध्वनियां जो है ना वो इन्हीं 5 स्थानों से निकलती हैं। देखो, यहाँ पर आपकी बायोलॉजी भी कंप्लीट होगी। कैसे? यहाँ पर इन 5 स्थानों से निकलती है। और आप जानते हैं 5ों के 5 स्थान आपके शरीर में स्थित हैं। कहाँ हैं? बस ये पहचानना है। कंठ, कंठ जानते हो ना? कंठ कहाँ होता है? ये जहां से हम बोलते हैं, ये क्या होता है आपका? कंठ। अब देखो, कंठ से जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है कवरक की। कवरक की, कवरक की ध्वनि कहां से निकलती है? कंठ से। बोलो, के, खे, गे। ऐसे लगता है कि कोई भी हिस्सा काम न करके केवल ये हिस्सा काम कर रहा है। बताओ, प्रैक्टिकली करके देखो, याद मत करो, रटो मत, प्रैक्टिकली करो। क, क, कमेंट करके बताओ, बताओ मुझे कहां से निकल रहा है, कहां से ध्वनि निकल रही है, बताओ जल्दी। क, यहीं से निकली ना। ख बोलो, ख, ख, ग, घ। तो ये 5ों की 5ों ध्वनियां कहां से निकलती हैं आपकी? कंठ से। तो इसीलिए इनका ध्वनि उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क्या होता है इनका ध्वनि उच्चारण स्थान? कंठ। अब देखो क्या आया? चवर। कौन सा वर्ग आया? चवर। और चवर की जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है आपकी तालु से। किससे? तालु। सबसे पहला पॉइंट, ये तालु क्या होता है? तालु क्या होता है जानते हो? जानते हो तालु क्या होता है? पता है, सबके शरीर में, सबके शरीर में। और एक बात सोचो कि हम जब बोलते हैं, कंठ हमारा जब यहाँ है तो ध्वनि भी हमारी इसी हिस्से से निकलती होंगी कि नहीं?
तो जो ये पांचों के पांच स्थान है वो भी यही होंगे ना। बात करते हैं तालु की, तो जो आपके कंठ के ऊपर का हिस्सा होता है, देखो ये जो है ना, ये कंठ से ऊपर का हिस्सा वो होता है आपका तालु। क्या होता है? तालु, कंठ से ऊपर का हिस्सा, ऊपरी जबड़े का पिछला हिस्सा भी और निचले जबड़े का पिछला हिस्सा जो होता है वो होता है आपका तालु। तो जब च वर्ग की बात आती है तो इसकी ध्वनि कहां से निकलती है? च से, सॉरी तालु से। बोलो जैसे च च, तो ऐसा लगाना जैसे यहां से खींचा और यहां तक आया, च प्रेशर आया ना यहां तक, छ ज। बोल के देखो, खुद बोल के देखो। तो इसकी ध्वनि कहां से निकली? तालु। च वर्ग की ध्वनि तालु से। ऐसे ही आता है आपका क्या? टवर। और टवर की जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है मूर्धा। टवर की ध्वनि कहां से निकलती है? मूर्धा से। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा कौन सा स्थान होता है? मूर्धा जो होता है वो आपके ऊपरी जबड़े का अगला स्थान होता है। दांतों के पास में जो जगह होती है ना, दांतों के पास में, वही होती है आपकी मूर्धा। जैसे ट, तो जीभ पलट के ऊपर टच होती है, ऊपरी जबड़े में पलट के ऊपर टच होती है ना। ट ठ ड, तो वो क्या होता है आपका? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। क्लियर है? देखो आगे, फिर आता है आपका त वर्ग। कौन सा? त त। तो जब हम बोलते हैं त थ द ध न, तो आपकी जो जीभ है वो कहाँ टच हो रही है? त। बोलो त कहाँ टच हुई? दांत पे हुई ना, ऊपरी दांतों पे हुई ना। तो इसका स्थान जो निकलता है वो क्या निकलता है? दंत। क्या निकलता है इसका स्थान? दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क्लियर है? इसके बाद में आया आपका प वर्ग। कौन सा आया? प प। बोला प फ, दोनों होठ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? होठ। और होठ को संस्कृत में क्या कहते हैं? ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान हुआ आपका ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ। रटो मत, प्रैक्टिकली करो। क वर्ग, क वर्ग का क्या है? कंठ। च वर्ग क्या है? तालु। ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। क्लियर है यहां तक सब कुछ? क्लियर है? समझ में आ रहा है सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी वर्ग की बात करती हूं, अभी हम इसी पर बात करेंगे। देखो ये क वर्ग है। क वर्ग के जब हम इस पांचवें अक्षर को बोलते हैं ना, तो न की ध्वनि निकलती है। ऐसे ही च वर्ग के पांचवें को बोलते हैं तो भी न की ध्वनि निकलती है, और ट वर्ग के पांचवें अक्षर को बोलते हैं तब भी न की ध्वनि निकलती है। त वर्ग के को बोलते हैं तो वो तो न है ही, और यहां पर बोलते हैं वो भी न, म म आ, तो न की ध्वनि आई ना। तो ये जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है ना, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, सुनो, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, इसे कहते हैं हम नासिक के व्यंजन। क्या कहते हैं इसे? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य, नासिक्य का मतलब क्या होता है? नासिक्य संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है नाक। जिन व्यंजनों की ध्वनि किसमें निकलती है? नाक से जो स्वर निकलता है जिन व्यंजनों की ध्वनियों का, वो होते हैं आपके नासिक्य व्यंजन। क्या होते हैं? नासिक्य व्यंजन। और इनका ही दूसरा नाम, है पंचमाक्षर। क्या है? पंचमाक्षर। और एक नाम बोल देते हैं अनुनासिक। क्या बोल देते हैं? अनुनासिक। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है?
नासिक व्यंजन होता है, अनुनासिक होता है और पंचमाक्षर होता है। क्लियर है? नासिक व्यंजन, अनुनासिक और पंचमाक्षर, ठीक है? समझ में आ रहा है सब कुछ? देखो, नोट करते रहना साथ के साथ। इन्हीं में आपके चार नाम और आते हैं, आपके चार नाम और आते हैं। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष, एक है आपका अल्प प्राण और एक है आपका महाप्राण। वर्ग में भी बताया गया है कि कौन सा व्यंजन अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। और ये भी पूछ लेता है कि ये जो चारों प्रकार बताए वो किसने बताए। तो एक हिंदी के गुरु थे कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने बताया कि कौन से व्यंजन अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं, कौन से अल्प प्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होते क्या है, ये होते क्या है, जब इनकी पता चल जाएगी तो हम पहचान लेंगे ना कौन सा व्यंजन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बात की सघोष और अघोष पर। इन दोनों में एक सेम वर्ड है, घोष। क्या है? घोष। और घोष का मतलब भी होता है बोलना, मतलब उच्चारण, मतलब ध्वनि। क्या है घोष का मतलब? क्या है? ध्वनि, उच्चारण या फिर बोलना। अब यहां पर क्या लगा है इसके आगे? अ, और इसके आगे स। तो अ मतलब अल्प मात्रा, कम मात्रा, ध्वनि की कम मात्रा, ध्वनि की कम मात्रा, वो क्या हो गई आपके अघोष। मतलब जिन्हें बोलने में क्या क्या निकले, ध्वनि की कम मात्रा निकले, वो होते हैं आपके अघोष। और सघोष, सघोष वो होते हैं जिनमें ध्वनि की ज्यादा मात्रा निकलती है। सघोष कौन से होते हैं? ध्वनि की ज्यादा मात्रा निकले, वो होते हैं आपके सघोष। अघोष ध्वनि की कम मात्रा निकलना, सघोष ध्वनि की ज्यादा मात्रा निकलना। अब देखो हमें कैसे पता पड़ेगा, एक दूसरे से कंपेयर करके देखो। कंपेयर कैसे करेंगे? मैंने यहां पर क वर्ग लिया, क वर्ग। क वर्ग में आपके जो व्यंजन आते हैं, एक तो होता है क, ख, ग, घ। इनको लेती हूं मैं पहले, क, ख, ग और घ। अब जैसे हम क, ख, ग, घ इन्हें बोलते हैं, तो बोलने पर हमें ध्यान देना है कि ध्वनि किसमें ज्यादा निकल रही है, किसमें कम निकल रही है। कंपेयर करके देखना है, जिसमें ज्यादा होगी वो सघोष में हो जाएगा, जिसमें कम होगी वो अघोष में। अब इसे क्या बोलते हैं? क। क्या बोलते हैं इसे? क। और इसे बोलते हैं ख। ऐसे लगता है जैसे बोलने के बाद में थोड़ा हमें रुकना पड़ता है एक साथ, ऐसे ही तो लगता है क ख। और जब हम इन पर आते हैं तो इन्हें आराम से बोलते हैं ग घ। तो ध्वनि ज्यादा किसमें हुई? बोलो क ग। कंपेयर किया मैंने क और ग का, इसे बोला मैंने क और इसे बोला मैंने ग। तो कम और ज्यादा किसमें हुई ध्वनि? इसमें कम हुई और इसमें ज्यादा हुई ना। तो जिसमें कम वो अघोष और जिसमें ज्यादा वो सघोष। समझ में आया? जिसमें कम वो अघोष और जिसमें ज्यादा वो सघोष। अब ऐसे यहां पर इनका कंपेयर करते हैं, क ख। एक समय अंतराल भी देखो, ध्वनि के साथ में समय अंतराल भी देखो। जब हम इन दोनों को बोलते हैं तो एक जैसी ध्वनि निकलती है, मतलब एक समान समय अंतराल पर समान मात्रा में निकलती है। क ख एक समय अंतराल में निकल रही है ना, तो
तो एक समय अंतराल में निकल रही है, तो ये अघोष है तो ये भी अघोष। ठीक है, अब इसकी बात आई ग घ, ग घ, तो ये इसके जैसी निकाल रहा है, एक ही समय अंतराल में निकाल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सघोष। क्या हो गया ये सघोष। रटने से कोई मतलब नहीं है आपको, यहां पर बस आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। क ग, इसमें ज्यादा निकली सघोष, इसमें कम निकली अघोष। तो यहां पर अघोष और सघोष की पहचान करनी आई, अघोष और सघोष की पहचान करनी आई। इसमें पांचवा अक्षर होता है आपका ड, पांचवा अक्षर क्या होता है ड, तो ये भी क्या होता है आपका सघोष ही होता है। क्या होता है सघोष। तो यहां पर ये तो हमने लिया था आपका क वर्ग, कौन सा वर्ग क वर्ग, और जो आपके अन्य चार वर्ग और हैं, जो आपके अन्य चार वर्ग हैं उनमें भी यही प्रक्रिया होती है, उनमें भी पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है सघोष। तो पॉइंट यहां पर यह निकलता है कि प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष और तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। नोट करो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष और तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है आपका सघोष। क्लियर है, अघोष और सघोष समझ में आए, बताओ। अब यहां पर आपके दो पॉइंट बचे, आपके दो पॉइंट बचे इसमें, पहला आता है अल्पप्राण और एक आता है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, आपको एक वर्ण दे देगा, पूछेगा अल्पप्राण है या महाप्राण है, वर्ण दे दिया, पूछा अघोष है या सघोष है, तो आपको कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ अपने दिमाग से सोचो और प्रैक्टिकली करके देखो कि क्या बताया जा रहा है। अघोष कम ध्वनि बोल के देखो, सघोष जिसमें ज्यादा ध्वनि हो, कंपेयर करके देखो। ठीक है, देखो अब प्राण, यहां पर क्या वर्ड आया प्राण, जैसे अघोष और सघोष में घोष शब्द था ना, ऐसे ही इसमें क्या है प्राण शब्द, तो यहां पर मैंने इस शब्द को लिया, अलग कर लिया, इसको मैंने अलग कर लिया। प्राण का मतलब होता है वायु, वायु पवन हवा, प्राण का मतलब क्या होता है हवा। ठीक है, अब देखो वही जो अघोष और सघोष में था वही करना है। अल्प मतलब कम, अल्प का मतलब कम, कम वायु, और महा मतलब ज्यादा, तो यहां पर क्या हो गया ज्यादा वायु। तो अर्थ क्या हुआ इसका कि अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में कम वायु निकलती है, और महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा वायु निकलती है। समझे, अल्प प्राण वो जिन्हें बोलने में कम वायु निकले और महाप्राण वो जिन्हें बोलने में ज्यादा वायु निकले। ठीक है, देखो अब इसमें भी प्रैक्टिकली करेंगे, अब इसमें भी प्रैक्टिकली करेंगे, फिर से लेते हैं उसी वर्ग को, कौन सा क वर्ग। पहले तो हमने अघोष और सघोष को देखा था, अब देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। फिर से लिया मैंने क वर्ग, वही पांच व्यंजन क ख ग घ और ड। पहले हम ध्वनि को देख रहे थे, अब किसको देखेंगे वायु को, किसको देखना है अब वायु को। अब देखो यहां पर ये क्या है क और ये क्या है ख, जब मैंने क को बोला तो कैसे बोलते हैं क, कैसे बोला क, और जब ख को बोला तो कैसे बोला ख। तो देखो डिफरेंस निकला,
डिफरेंस क्या दिखा कि जब मैं क को बोलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वायु निकल ही नहीं रही है, क क ऐसा लगा ना जैसे वायु निकली नहीं, और जब मैंने ख ख को बोला तो ऐसे लगा जैसे प्रेशर के साथ में वायु निकली घर्षण करते हुए। प्रैक्टिकल करो, क नहीं निकली, ख निकली ना प्रेशर के साथ में, और जहां पर नहीं निकली मतलब कम मात्रा में निकली होगी, वो हो गया आपका अल्प प्राण। क्या हो गया? अल्प प्राण। और जिसमें ज्यादा निकली वो हो गया आपका महाप्राण। क्या हो गया? महाप्राण। ऐसे ही आगे ग और घ, ग और घ, तो इसका कंपेयर जब किया तो ग को बोलते हैं ग, और इसमें घ, तो इसमें प्रेशर के साथ निकल रही है, घ में प्रेशर के साथ निकल रही है और ग में कम निकल रही है, तो ये भी आपका क्या हो गया? अल्प प्राण। और ग क्या हो गया? आपका महाप्राण। और ऐसे ही हम इसे ड बोलते हैं तो इसमें भी कम निकलती है, तो ये हो गया आपका अल्प प्राण। ठीक है, अब यहां पर देखा क मतलब पहला व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। दूसरा क्या है? महाप्राण। तीसरा क्या है? अल्प प्राण। चौथा महाप्राण। पांचवा अल्प प्राण। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग में होता है। ये तो आपका क वर्ग था, और चार वर्ग है उनमें भी यही होगा। तो यहां पर पॉइंट क्या निकला, नोट कर लेना, पॉइंट ये निकला है यहां पर कि प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। क्लियर है ना सब कुछ? डाउट है क्या कोई भी? डाउट कोई भी? ठीक है, तो आज की जो क्लास में आपने देखा वो देखा कि वर्ग क्या देखा, वर्ग को किन किन भागों में बांटा हमने, स्वरों को किन किन भागों में बांटा। अभी वर्णमाला आपकी खत्म नहीं हुई है, अभी तो व्यंजन में बहुत कुछ बचा है। व्यंजन में अभी तो अंत्यस्थ व्यंजन है आपके, आपके अभी संयुक्ताक्षर है उन्हें भी तो बांटना है अघोष अल्प प्राण में और ध्वनियों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। एक बार और मैं आपको सभी को टाइम टेबल बता दे रहा हूँ, दोबारा से एक बार बता दिया है वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जो हमारा लाइव क्लास का सेशन रहेगा उसके लिए। देखिए एक बार फिर बता दे रहा हूँ, एक बजे डेढ़ बजे से जो आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी जीके, ये अपने आप में एक मास्टर क्लास होगी सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और जो आपकी दो बजे से क्लास रहेगी, सॉरी ढाई बजे से जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी हिंदी की जो कि अभी चली थी, ठीक है। इसके बाद में आपका चार बजे से जो टाइम रहेगा, चार बजे से वो आपकी क्लास जो रहेगी वो रहेगी आपकी मैथ की, ठीक है। चार बजे से मैथ की क्लास रहेगी, और वो आपकी क्लास जो होगी वो जीडी लेवल के लिए होगी। जीडी में आप कह सकते हो कि 10+2 को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। ये क्लास जो होगी वो कंप्लीट क्लास हिंदी में होगी, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट क्लास हिंदी में होगी। और इसके बाद में आपकी जो 5 बजे से क्लास होगा, 5 से जो हमारा लाइव रहेगा वो रहेगा आपका, 5 बजे से जो लाइव रहेगा वो रहेगा हमारा रीजनिंग का, ठीक है। और ये रीजनिंग की मास्टर क्लास होगी, यानी कहने का मतलब किसी भी लेवल के लिए अगर आपकी रीजनिंग आती है तो सबको कवर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी जो 7 बजे से रहेगी शाम को, ये 7 बजे से रहेगी, जिनका एएलपी सीवीटी 1 का क्लियर हो गया है, जिनकी सीवीटी 2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्लास रहेगी एएलपी सीवीटी 2 के लिए, ठीक है, जिसमें कि आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आरपीएफ वाले भी सम्मिलित रहे, इसमें आरपीएफ वाले भी सम्मिलित रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाईलाइट मैटर है ना, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये क्लास आपकी 9:30 बजे से रहेगी,
और 9:30 बजे से रहेगी, लेकिन रहेगी ये मैथ की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी बनते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका सीजीएल है, सीजीएल में फ्री हो, मैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपका कैट है, ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपकी क्लास जो रहेगी वो बोथ रहेगी, मीडियम जो रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आगे के लिए चैनल को आप शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिस शहर से भी बिलोंग करते हैं, जितने भी लाए हैं उस समय, जितने भी शहरों से बिलोंग करते हैं, सभी ग्रुप में फैलाएं और सभी क्लासों का लोग, और आगे के लिए 10 से आगे क्लास बढ़ेंगी, ठीक है। अब तक नेटवर्क इशू आ रहा था, उसे खत्म किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे होंगी हम आपको बता देंगे कि इंग्लिश के लिए सबके लिए टेक्निकल की भी क्लास, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, टेक्निकल के लिए जो क्लास होगी वो भी यहाँ आपको इस चैनल पर मिलेगी। और टेक्निकल में चाहे आपका DBSSR का हो, चाहे आपका एयरफर्स का हो, कुछ कोई भी एग्जाम क्यों हो, टेक्निकल से रिलेटिव 10+2 से जितने भी आते हैं, ठीक है, वो आपको क्लास यहाँ पर मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, पहले इन क्लासों को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज आपको हिंदी की क्लास दे दी गई है, आगे हम सेटअप बनाने के बाद में, आज हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कल से अगर हम बात करते हैं, आज आपको जितनी क्लास मिल जाए वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन इतना जरूर है कि कल से जितना भी आपको टाइम टेबल दिया गया है ये सब आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए, और बस मेरा यही कहना है कि जो आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, वो चाहे एमपी से हैं, एमपी से काफी कमेंट आए थे मेरे पास में, तो वो लोग सभी आगे के लिए चैनल को शेयर करते रहे, जिससे कि आपको भी ज्यादा आनंद आए पढ़ाने के लिए और आप भी इसका लुत्फ ले सकें, ठीक है, ओके, धन्यवाद।